कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए चुनाव आयोग का वर्चुअल प्रचार भी जोर पर है। फिलहाल हफ्ते भर के लिए रैलियों जनसभाओं पर रोक है। आगे की रैलियों का फैसला कोरोना के हालात को देखकर किया जाएगा। ऐसे में ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी कि आखिरकार राजनीतिक दल इसके लिए कितने तैयार हैं, क्या इस बार चुनाव प्रचार वर्चुअल हो पाएगा। चुनावों की घोषणा से पहले जो बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी यात्राएं, झंडे डंडे, बैनर पोस्टर और चुनावी शोर सब जगह दिख रहा था, वो फिलहाल मौन। चुनाव आयोग ने फिलहाल 15 जनवरी तक इन सब पर रोक लगाई। द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट नो रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली एंड प्रोसेशन शैल बी अलाउड टिल 15 जनवरी 2022। इस तरह चुनाव आयोग के इस फैसले ने एबीपी न्यूज की मुहिम पर मुहर लगा दी। लेकिन राजनीतिक दलों के सामने अब ये नई चुनौती आ गई है कि वो चुनावी रैलियां, जनसभाओं को वर्चुअल में कैसे शिफ्ट करें। हालांकि इस मामले में सबसे ज्यादा तैयारी बीजेपी की दिख रही है। चुनाव आयोग कहता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहेगा नहीं, चुनाव आयोग तो सभी राजनीतिक दलों के लिए कहता है। तो चुनाव आयोग अगर कोई व्यवस्था देगा तो उसका पालन करेंगे, अगर कोई उसमें त्रुटि होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके सामने वर्चुअल रैलियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। ऐसा संकट छोटी पार्टियों के सामने ज्यादा है। इसकी चिंता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जताई। चुनाव से हमारी अपील होगी, अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था दी। जो एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने लागू किया है और जो वर्चुअल और डिजिटल की बात किया है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अनरिकग्नाइज पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो एक सिस्टम बनावे, जो भी सिस्टम बने, राष्ट्रीय पार्टियों को 1 घंटा दे, पूरे प्रदेश में उनको 1 घंटे का टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम दें जो राज्य दल हैं, जो अनरिकग्नाइज पार्टियां हैं उनको भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट का तक अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को समय अपने मुट्ठी में लेकर के सबको समय देना चाहिए। लेकिन रैलियों पर रोक लगाने की नौबत आई क्यों, ये सबको पता। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने भी जो ताजा सर्वे किया इसमें भी ये सवाल पूछा गया था। एबीपी न्यूज की जो बड़ी मुहिम, उस पर भी एक तरीके से चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है, और ये जरूरी क्यों था ये समझ लीजिए आप। सवाल ये पूछा गया इस सर्वे में कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, तो देखिए जवाब जो सामने आया उसमें लोगों का ये मानना है, 64% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि धज्जियां कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं। 28% ने हाँ में जवाब दिया, पता नहीं कह रहे हैं 8%। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा था, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बंद करो रैली, और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा तक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। रैलियों और सभाओं के विकल्प का मसला चुनाव आयोग के सामने भी आया, लेकिन चुनावों की तारीखों की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक शेर के जरिए दार्शनिक अंदाज में अपनी बात कही। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हवा की ओट में अब किसका चिराग जलेगा और किसका चिराग हवा बुझा देगी, इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। फिलहाल महामारी के बीच वर्चुअल चुनाव प्रचार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।